तो आज आपके लिए देखिए सोयाबीन की सब्जी लेके आई हूँ और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है ये। जैसे कि आप टेक्सचर देख सकते हैं, ग्रेवी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो बनाना बहुत ही ईजी है, तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सोयाबीन यहाँ पर लिए मैंने 2 पैकेट जो 10-10 रुपये के आते हैं ना, वो आप ले लें। और पानी गर्म मैंने बिठाया हुआ था गैस पर, और उसके बाद मैंने ये डाल दिए सारे सोया चंक्स, और इसको अभी हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। यहाँ पे देखिए बीच में इस तरह से डिप करते हुए, ये जब अच्छे से पक जाएगा ना, 10 मिनट लगेगा मुश्किल से, इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा मतलब अच्छे से भीग जाइए। 10 मिनट बाद फिर इसको मैं ना निकाल लूँगी एक बाउल में। तो बाउल में निकाल लेते हैं इसको, ताकि छोड़ा इसलिए ताकि सोयाबीन अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से धो के मैंने श्रिंक कर लिया, इसको अच्छे से निचोड़ लिया, सारा पानी एक्सेस हटा लिया। अब इसमें कुछ मसाले मिला रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच इसमें हम नमक मिला देंगे, और इसी के साथ मैं मिला दूँगी इसमें 1/4 चम्मच यहाँ पर गर्म मसाला, और 4 चम्मच के करीब यहाँ पर मिला रही हूँ दही। तो यहाँ पे इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं सोयाबीन को। इस तरह से बनाइएगा, बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी। एक बार आप बना के देखिएगा। अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही। तो यहाँ पे इसको छोड़ देती हूँ। एक मसाला तैयार करते हैं। 3 टमाटर लिए हैं लाल लाल, इसके साथ 1 हरी मिर्च है, 7 से 8 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ हैं, और 1 इंच अदरक है, वो डाल के यहाँ पे इसको हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है। कढ़ाई में डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाइएगा, हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है, और बहुत बढ़िया रहता है हेल्थ के लिए। अब तेल गर्म हो जाएगा तो यहाँ मैंने कुटा हुआ देखिए हरी इलायची, काली इलायची, और यहाँ पे दालचीनी का मैंने 1/2 टुकड़ा लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है, 1/2 चम्मच यहाँ पर जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा इसको भुनेंगे लो फ्लेम पर, और 1 पिंच यहाँ पर हींग डाल दिया। अब यहाँ पे 3 प्याज मैंने लिए हैं जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है यहाँ पे, और अब प्याज को थोड़ा सा भुनेंगे अच्छे तरीके से, एक अच्छा सा कलर आने तक प्याज को भुनना है, हाई फ्लेम पे भुनेंगे। तो यहाँ पे इसको अब देखिए मैंने भून लिया है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मिला रही हूँ मैं 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला रही हूँ, और फटाफट से मिलाने के बाद इसको ना अच्छे से मिला लेना है। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था पहले ही ताकि मिर्च जल ना जाए। देखिए अब बताती हूँ आपको कश्मीरी लाल मिर्च क्यों डाला है। अब जो पेस्ट हमने डाला है ना बना के, वो डाल देते हैं, और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कश्मीरी लाल मिर्च मैं चाहती तो इसमें भी टमाटर में डाल के पीस सकती थी, लेकिन मैंने इसमें तेल में डाला ना तो उसका कलर बहुत बढ़िया आया। अब नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए और मसाले में भी अच्छा स्वाद आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप कलर कितना बढ़िया आ गया है। लेकिन अभी इसमें और मसाले जो हैं वो मिलना बाकी हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको ढक के मसाले को थोड़ा सा पकने देंगे। देखिए मसाला भी पक गया है अच्छे से, तेल आ गया है ऊपर मसाले में से, तो इसका मतलब मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें मैंने यहाँ पे 2 आलू काट के रखे हैं, वो डाल दे रही हूँ मैं। 2 आलू मैंने काटे थे इस तरीके से, वो डाल के इसको अच्छे से भून के फिर यहाँ पे इसको हम पकाएंगे, क्योंकि आलू कच्चे हैं। अब यहाँ पे 1/2 कप मैं यहाँ पे ना पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के पकने दूँगी लगभग 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि आलू जो है ना वो जो कच्चे हैं वो पक जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे अब इसको ढक देते हैं 10 से 12 मिनट के बीच में, एक बार चेक करके चला लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए मसाला भी फिर से अच्छे से पक चुका है, और आलू भी यहाँ पे अच्छे से गल चुके हैं। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। अब यहाँ पे कुछ मसाले अब जाएंगे, तो यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच यहाँ पर मिर्ची का पाउडर, नॉर्मल मिर्ची है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके अब मसाले को जो हमने अभी सूखे मसाले डाले हैं इसके साथ अच्छे से भुनेंगे और पकाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से पका लिया है, मसाला अच्छे से पक चुका है, और कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आ गया है, चेंज हो गया है कलर मसाले का, और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार होगी। देखिए कुछ बस सिंपल सिंपल ट्रिक्स होती हैं जो इस तरह से बनाएंगे तो बस सिंपल मसाले वही होते हैं, लेकिन बनाना कुछ जो है वो अलग से होता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। अब यहाँ पे देखिए
सोयाबीन चंक्स जो हमने मैरिनेट करके रखे थे ना वो सारे डाल देंगे, और जो बच जाएगा ना इस कटोरे में उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं, और देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है। मतलब मैरिनेट करके बनाइए इस तरीके से, दही भी कुछ इसमें ज़्यादा नहीं गई है, सिर्फ 4 छोटे चम्मच दही गई है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करिए, और आप जब दही डाल रहे हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। और देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करा और वो दही वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया, और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके अब थोड़ा सा पकाएंगे ताकि सोयाबीन भी जो मसाले हैं सारा अच्छे से सोख कर ले, अंदर तक मसाले चले जाएँ। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और इसको अब मैं ढक के पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उसके बाद देखिए 5 मिनट बाद कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है, बहुत बढ़िया से आपको बीच में दिखा रही हूँ मैं ताकि देखिए आपको अंदाज़ा लग जाए। चाहे तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बस एक दो चीज़ें इसमें और मिलानी हैं ताकि इसे खुशबू और ज़्यादा बनी रहे। तो मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको सोयाबीन आलू को अच्छे से पका लिया है, सब्ज़ी लगभग तैयार है। लेकिन इससे पहले इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच यहाँ पे डाल दूंगी कसूरी मेथी क्रश करके। सब्जी यहाँ पे तैयार है, आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं। अभी भी इसमें ग्रेवी है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी ताकि थोड़ा सा और इसमें ग्रेवी आ जाए। तो यहाँ पे मैं देखिए डाल रही हूँ बटर, तो मैंने यहाँ पे ना आधा चम्मच के करीब बटर डाला है, इससे ही फ्लेवर ना बहुत अच्छा आ जाता है, और सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है। आप देख सकते हैं खाने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने इसको जैसे कि बताया मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ, आधा ग्लास के करीब मैंने यहाँ पर पानी डाला है। और बस यहाँ पे इसको अब अच्छे से एडजस्ट करके और ढक के बस 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे और पकने दूंगी ताकि इसका कलर बढ़िया से आ जाए। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है, एकदम यमी लग रहा है ना। बस अब इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और सब्जी बनके तैयार है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ एंजॉय करिए, बहुत टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। इस तरह से एक बार बना के देखिए, आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। बस सिंपल ट्रिक्स है, टिप्स है जो आपको फॉलो करना है, और आपकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगी। तो मैंने तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया इस तरीके से बना के, आप भी इस तरीके से बनाइए। कुछ देर मैंने गैस को बंद करके ढक के रख दिया था, और सब्जी का कलर देखिए कितना बढ़िया आ गया है। देखिए यहाँ पे एकदम बढ़िया इसका जो ग्रेवी है, हर चीज़ बहुत बढ़िया आया है। तो आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि अगर आप ऐसे बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।